वेलकम टू एक्सयूवी ट्रैवलर। प्रयागराज यानी यज्ञ की पवित्र भूमि। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के काल से अस्तित्व में है ये जगह और इसे पहले कौशंबी नाम से जाना जाता था। आज हमारा डे टू है प्रयागराज में। हमारा पहला डेस्टिनेशन सुबह सुबह हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट में। तो त्रिवेणी घाट बेसिकली संगम घाट है। आप तो जानते ही होंगे प्रयागराज बहुत फेमस है अपने संगम के लिए, जहाँ तीन हमारी बहुत ही होली रिवर्स का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। बहुत ही ड्रामेटिक प्लेस आपने देखी होगी मूवीज में, जहाँ पे बच्चे बचपन में खो जाया करते थे कुंभ के मेले में। तो ये वही स्थान है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल। संगम तक जाने के लिए थोड़ा सा वो क्योंकि दूर है, तो आपको यहाँ पे कुछ नौका या बोट टाइप कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ साथ आप भैया ले चलेंगे? यहाँ पे सवारी में अगर जाएंगे तो कितना लगेगा? हमारा 80 रुपया लग रहा है एक ग्रुप। अच्छा, मतलब एक ग्रुप का अगर जाएंगे तो पर पर्सन ले जाना और आना दोनों रहेगा उसमें। एक नाव में 12 बंदे आते हैं। 12 बंदे बैठते हैं, ठीक है। और अगर एक्सक्लूसिव चलेंगे तो जाओगे आप बुकना 500 रुपए। जमुना जी। इधर से गंगा माता, हरिद्वार, कानपुर से गंगोत्री, ऋषिकेश होते गंगा माता। अच्छा, हरिद्वार, ऋषिकेश होते जो गंगा जी, यहाँ पे इधर आती है, ठीक है। तीसरी माता है सर जो किले से आती है, किला है वो इधर की दिखती नहीं है। माता सरस्वती माता 30 हो गई, लुप्त हो गई। गंगा जमुना सरस्वती पाप नर है एक व्रती। जय गंगा भैया। हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम पे। इधर आप देखेंगे गंगा जी और इधर है यमुना जी। देखिए यहाँ पे काफ़ी कलर का डिफरेंस देखने मिलता है, बट क्योंकि अभी कुंभ की तैयारी है ऋषिकेश हरिद्वार साइड पे, तो उन्होंने ऐसा कहना यहाँ पे कि गंगा जी का पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण स्तर ऊपर हुआ है और डिफरेंस उतना स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। बट यही है वो संगम जगह जहाँ पे अब आकर के हम अपने पाप धोने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए स्नान करने। और सरस्वती जी अब नहीं दिखती है, कहते हैं दिखती है जी, जब से ज्यादा बारिश होती है उस दिन दिखती। कैसे दिखती है वो? व्हाइट कलर की दिखती है। व्हाइट कलर की, तो मतलब गंगा का पानी किस कलर का हो गया? ये पीला कलर का, जमुना का हरा है, व्हाइट कलर का सरस्वती का। तो पीला, हरा और व्हाइट, ये तीन जब दिख जाए। हम लोग जो बोलते हैं वो सरस्वती जी है। हम जो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोलते हैं सरस्वती जी हमारे कंठ में होती है। ये बात बिल्कुल सही बोली है तुमने। देखिए मतलब आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। आज तक छोटे से बच्चे ने मेरे को कितनी अच्छी बात बताई है भारती ने, मतलब आज कितनी प्यारी बात बोली है कि जो सरस्वती जी हैं वो हमारे कंठ में होते, जो हम बोलते हैं वही मीठा होना चाहिए। सही बात है ना? तो ये है हमारे पास छोटी सी बच्ची भारती। भारती तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चली? हम पहले हमको एक भैया बताते थे कि वो आज के दिन बचपन से मेरे पापा या 10 साल के रहते थे तब से आते हैं। आप अभी कहाँ रहते हो? हम तो पीरगंज में रहते हैं। रोज यहाँ पर आते हो? हाँ डेली। हम तो दो दिन से बिक्री नहीं हो रहा था इसीलिए आज इधर आए, नहीं तो उधर ही बेचते थे। अच्छा, कितने बजे आते हो? हम कोई भरोसा नहीं दीदी, कभी देर हो जाता, कभी जल्दी हो जाता, कभी तभी देर हो जाता। और स्कूल जाते हो? हाँ जाते, अभी छुट्टी चल रहा ना इसीलिए। अच्छा, मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है इसलिए चल रहा। फिर तो बड़े स्मार्ट हो, स्कूल भी जाते हो, काम भी कर लेते हो, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जय गंगा मैया। ये अनाकोंडा और ये बसंती, क्या बोलते हैं इसको? जड़ी बूटी। नाम क्या है इस जड़ी का?
हाथ में बांध लो कभी नहीं काटते हैं। कोई दूसरा नाक काट लिया ना और जल्दी से लगा लेंगे 20 मिनट चल गए। क्यों रखते हैं? अभी तो हमेशा नशे में रहेगा। अगर ऐसे इंसान सूलेगा तो वो भी नशे में हो जाएगा कि नहीं सूल लूंगे बेहोश हो गई। ये है दो मुहा सांप, कहावत सुनी होगी लेकिन आज हमें देखने मिल गया है। तो ये था हमारा बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस त्रिवेणी संगम का। आगे के लिए बने रहिए एक्सीवी ट्रैवलर के साथ।